अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। गुट निरपेक्ष देशों के वर्चुअल सम्मेलन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, बोले कुछ लोग फैला रहे आतंक का वायरस, कोरोना को रोकने साझा चर्चा। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव, शिवसेना से उद्धव ठाकरे और नीलम गोरे होंगे उम्मीदवार 9 सीटों के लिए। 21 मई को चुनाव, 11 मई को नामांकन की आखिरी तारीख, चुनाव पर कोरोना का साया। महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट जारी, पिछले 24 घंटों में 36 की मौत, 790 नए केस सामने आए, सरकार का दावा संक्रमण रोकने सभी जरूरी प्रयास जारी। मोदी सरकार से उद्धव ठाकरे की अपील, लॉकडाउन से मुक्त होकर घर जा रहे मजदूरों से न ले रेलवे किराया, श्रमिकों की आर्थिक हालत खराब, राहत की दरकार। नवी मुंबई में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, मनपा आयुक्त और पुलिस आयुक्त ने किया खुलासा, उम्मीद में फिर भी वाइन शॉप पर उमड़ी भीड़, घरों में कैद लोग एल्कोहल के लिए बेताब। एपीएमसी मंडियों से फूट सकता है कोरोना का बम, 4000 लोगों की जांच में सैकड़ों पॉजिटिव केस, एक्टिव होने की आशंकाएं, प्रशासन की बढ़ सकती है हैरानी। नई मुंबई में 354 हुई कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में सामने आए 34 नए केस, एक और कोरोना मरीज की मौत से 6 पर पहुंचा आंकड़ा, हालत चिंताजनक। पनवेल मनपा क्षेत्र में 62 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या, 24 घंटे में मिले 9 एक्टिव केस, ग्रामीण इलाकों से 7 नए मरीजों की पहचान, अब तक 2 की मौत। थाने मनपा क्षेत्र में 24 घंटे में 23 नए कोविड केस, 412 पर पहुंची कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, लॉकडाउन को लेकर सख्त हुआ प्रशासन। नवी मुंबई से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी शुरू, वासी के कोविड सेंटर से कर्नाटक के लिए रवाना हुई 5 बसें, यूपी वाले मजदूरों को अभी भी अपने प्रशासन से बस भेजने का इंतजार।